हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू, क्योंकि हमने पार कर लिए हैं भाई 1000 सब्सक्राइबर्स ये वाले चैनल पे। और जो लोग अगर चैनल पे नए हैं ना भाई, तुमको मेरे इस चैनल के नीचे जो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसका मतलब तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई कर लो यार सब्सक्राइब। क्योंकि तुम ये जो गेम प्ले देख रहे हो भाई, एशिया के नंबर वन प्लेयर का गेम प्ले, क्योंकि जो बंदे मतलब कौन कौन हैक लगा रहा है, कौन चीट वीट कर रहा है, मुझे सब मालूम है, लेकिन किसी की काम में मैं टांग नहीं अड़ाना चाहता, सीधा अपने काम से काम रखना चाहता हूँ। इसलिए आप सीधा अपना है गेम से गेम रखते हैं अपन, हाँ गेम से मतलब रखते हैं अपन, गेम प्ले खेलो और मस्ती में रहो, किसी लफड़े में नहीं पड़ने का अपन को। और फिलहाल इस गेम प्ले की बात करूँ तो मुझे जाना था बहुत दूर किसी दूसरे प्लेनेट पर, ताकि कोई ऐसे सस्पिशियस बंदे जो हैकिंग वेकिंग कर रहे हो या फिर टीम अप कर रहे हो, वो हमारे पीछे ना पड़े और हमारा जल्दी माइनस ना करवाएं। इसलिए हमको एक गाड़ी चाहिए थी बहुत दूर जाने के लिए, और हम थोड़ा अच्छा खासा लूट ले सके और किसी फाइट में एंगेज हों तो भाई जल्दी ना मारा जाए। अब हमें जाना था भाई बहुत दूर, अब मेरे को गाड़ी मिल जाता है और मैं निकल लेता हूँ, अब बाकी बात बाद में करेंगे। और हाँ, तो गैस मैं ये कह रहा था कि भाई अब मिड सीज़न आ गया है, मतलब चौथा पाँचवा कौन सा भी जो भी चल रहा है, मतलब बहुत टाइम हो गया इस सीज़न को आए हुए, और अब जब खेलते हैं मैच इसमें ज़्यादा हमको प्लस मिलता नहीं है। और जो हैकर्स होते हैं भाई, स्पेशल एबिलिटीज़ वाले बंदे, वो एक मैच में भाई 35-30 प्लस करा देते भाई, कौन कर लीग भाई, और 5000 पॉइंट पे, तो हम उनका पीछा कैसे करेंगे ये बताओ। अब हम जब मैच लगाते भाई, हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि भाई माइनस नहीं करवाना, और हम जल्दी भर गए तो भाई -50 होना पक्का है, और वो तो क्या ही बताया अगर माइनस हो गया। और हम चिकन डिनर भी कर लेते तो भाई प्लस कितना होता है, +5 +10 +11। अब ऐसे हैकर्स लोगों को कैसे पीछे छोड़ेंगे यूँ बताओ तुम गाइस। लेकिन फिर भी मैं जो रेगुलर पुश करना चाहिए मुझे डेली, या फिर जो भी मेरे को टाइम मिलता है उसमें मैं जितना पुश कर सकता हूँ उतना पुश करता हूँ, ताकि हम जो लेजिट प्लेयर की कैटेगरी है भाई, उसमें तो नंबर वन पे बने रहे। हैकर्स लोगों का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो गाइस वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते रहता हूँ, और ये वाला वीडियो में तो एंड में कुछ ज़्यादा स्पेशल बोनस पॉइंट तुम्हारे लिए बताने वाला हूँ। अब फिलहाल मैं ये जो छोटे वेयर हाउस है या फिर ऐसे छोटे छोटे कंपाउंड में लूट लेता हूँ, और मेरी लूट पूरी हो जाती है उसके बाद मैं आ जाता हूँ जोन में। और मैं ये कह रहा था कि भाई चाय पियोगे? तो गाइस मैं ये कह रहा था कि भाई काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो मैं सोचा सीधा लाइव जाऊंगा और अभी तक इंतज़ाम हुआ नहीं है। तो गाइस थोड़ा दिन और वेट करो, और जब तक मैं वीडियो तो डाल दूंगा भाई, एक दो दिन वीडियो बनाने में दिक्कत होती है ना, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैं लाइव आने की सोच रहा हूँ, और लाइव आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस थोड़ा एडजस्ट और सामंजस्य बिठा लो यार। अब लाइव आने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे मैं जब लाइव आऊँगा ना तब बता दूंगा। और फिलहाल जैसे बहुत सारे बंदे मेरे से इंस्पायर होकर मतलब कौन कर रैंक से स्टार्ट किया, और बहुत सारे बंदों का हॉबी क्या, और कुछ बंदे मतलब एक्सेप्शनल या फिर मान लो मतलब जो कम अच्छा खेलते हों वो उनका नहीं हो पा रहा, वो मेरे को देखते हैं कि भाई ये तो अच्छा खेल पा रहे और हम क्यों नहीं खेल पा रहे, तो वो डीमोटिवेट हो जाते। तो जब मैं लाइव आऊँगा ना तुमको अच्छे से पता पड़ेगा भाई रैंक पुश असलियत में होती कैसे, कॉन्करर लीग में आपको कैसे खेलना पड़ता है मतलब रैंक पुश में, तब जाके आपको कुछ और ज़्यादा मतलब ब्रीफली आइडिया होगा। अब काफ़ी लोग को ये वाला गेम प्ले समझ भी नहीं आ रहा होगा, कि उनको लग रहा होगा ये क्या कर रहा है, 1500 मीटर दूर उतरा है नूब डरपोक, अभी तक बग्गी में घूम रहा है, क्या बोरिंग कर रहा है यार। तो कैसे मैं बता दूँ कि ये कोई नॉर्मल क्लासिक मैच नहीं है जिसमें कोई रैंडम यूट्यूबर बोट वोट मार रहा है, ये एक हाई लीग का गेम प्ले, कॉन्करर लीग का गेम प्ले। ये बता दूँ मैं, यूँ समझ लो कि ये जो कॉम्पिटिटिव स्क्रीम्स होते हैं ना उनसे भी महंगा वाला गेम प्ले, क्योंकि पूरे एशिया में भाई एशिया के लीडर बोर्ड का मैच है ये, तो समझ ही सकते हो भाई कितना महंगा वाला है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। और स्क्रीम्स में और मेरे वाले मैच में इतना ही फर्क है कि भाई स्क्रीम्स में आप श्योर रहते हो कि आपको कोई हैकर नहीं मारेगा, और मेरे वाले मैच में तो भाई फुल चांसेस है कि भाई आप वॉल के पीछे भी हेडशॉट खा सकते हो। स्क्रिम्स का क्या सीन है भाई, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 मैच खेल लो, लेकिन हम यहाँ पर 10 से 12 घंटे खेलते हैं भाई दिन में एशिया में भाई टॉप प्लेयर बनने के लिए, लेकिन लोग बिजी है भाई 1v3 हॉट क्यूट गर्ल कॉल मी नूब देखने में। भगवान, उनसे बड़ा प्रो प्लेयर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। खैर उनको मारो गोली और हम आ गए यहाँ वाले इस कंपाउंड में होल्ड करना है, यहाँ से हमको अच्छे खासे जो व्यू मिल सकते हैं, यहाँ से मैं पॉसिबल जो व्यूज़ मिल रहे थे मेरे को जहाँ पर कोई बंदे स्पॉट हो तो वहाँ से मैं किल उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखता हूँ कि भाई कोई और मुझे ना मार दे, और वो सारे एंगल में चेक करता हूँ जो मेरे पे बन रहे थे।
मैं प्रॉन होके भाई बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर ही रहा था कि सामने वाले पहाड़ से एक बग्घी आती है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बग्घी मेरे से ही जाएगी, और मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये वाला बंदा इतनी ज़्यादा स्पीड से ले जाएगा बग्घी। और अगर थोड़ा सा भी स्पीड कम होता तो इसको मैं गिरा देता बहुत ही आसानी से। और फिलहाल वो वाला बंदा जो पास वाले छोटे कंपाउंड है वहाँ जाके स्टे कर रहा है, मतलब होल्ड कर रहा है। और वो बंदा पता नहीं क्या चुल मचती है उसके, भाई अच्छा खासा जोन में कंपाउंड था और पता नहीं क्यों भागने लगा था गाइस। देखो अब यहाँ पर गाइस मतलब क्या ही किस्मत रही इस बंदे की, अगर ये जो वॉल नहीं आती ना भाई फायर के बीच में तो बंदा बिल्कुल डेड था यार। अब आगे जाके पता नहीं M4 वाला बंदा किसको मारता है, शायद यही होगा क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डैमेज मैंने दे दिया था और ऑलमोस्ट 10 HP या 20 HP बचा होगा वो, तो उस बंदे को किसी ने मार दिया। तो गाइस इस तरफ से अच्छा खासा फायर रहा था और अच्छी खासी फाइट हो रही थी बंदों के बीच में। मैं सोचा भाई यहाँ से अगर थोड़ा बहुत एंगल मिलता है तो उनको लेते हैं, लेकिन ये जो कंपाउंड में होल्ड कर रहा था भाई बिल्कुल मतलब हाइट पे नहीं था तो कोई व्यू नहीं मिल रहा था, और मैं ओपन में जाना नहीं चाहता था क्योंकि हमको थोड़ी ना मारना है भाई किल के चक्कर में। मैं यहाँ पर प्रोन हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हिल वाला एरिया वहाँ से मुझे अच्छा खासा एंगल मिल रहा था, मैं भी उसको मार सकता था और वो भी मुझे मार सकता था कोई अगर बंदा हो वहाँ पर। अब मैं कोशिश कर रहा था कि उधर कोई ना कोई बंदा तो आएगा ही ऑब्वियसली। अब मेरा फोकस राइट में जो AKM वाले फायर कर रहे थे बंदे उन पर भी था और सामने हिल पर भी था, और लकीली मुझे ये वाला बंदा स्पॉट हो जाता है जो कि ये जो AKM फायर कर रहे थे ना इन पे फायर लेने की कोशिश करने वाला था वो, और उससे पहले ही वो मारा जाता है। अब हिल वाला एरिया था भाई पिछली तरफ मतलब पीछे की तरफ, उसको मैंने क्लियर कर दिया था और इस तरफ स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, और इतने में एक UAZ आता है। अब इस पे मैं फायर लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन गाइस उसका किल कोई और ही चुरा लेता जो M249 वाला था, और इतने में भी पीछे से एक पूछा जाता है मेरे पे। ये जॉयस्टिक है ना भाई इस पे कंट्रोल बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया और क्लोज रेंज बिल्कुल ही बिगड़ गया गाइस। इसलिए कॉन्कर के जो मैच खेलता हूँ भाई उसमें मैं क्लोज रेंज बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि भाई जल्दी से जल्दी अपना जो ये जॉयस्टिक पे कंट्रोल में वापस से हासिल कर लूँ। और तो गाइस अभी थोड़ी देर में जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और अभी सामने एक M4 वाला बंदा किसी दूसरे बंदे को मार देता तो भाई इस तरफ से मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि इस तरफ बंदा है, और जो भाई M249 वाला बंदा था वो आने लग जाता है। अब उसको मैं फायर यहाँ से इसलिए नहीं देता कि वो अलर्ट हो जाएगा और कोई थोड़ी बहुत गलती करेगा वो, उसका मैं इंतज़ार करता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास तो जोन था भाई और उसके डिसएडवांटेज का मैं फ़ायदा उठाने वाला था। वो बंदा पता नहीं वहाँ पर क्या गेड़िया मारा था, इधर उधर आने की सोच ही नहीं रहा था, मैं एक बार मोली कर देता हूँ। तो भाई इसको मैंने स्कैम से मार दिया और इसको अच्छा खासा डैमेज पड़ा होगा मोली का और जोन का भी, और थोड़ा बहुत हमारे M7 का, और बंदा ख़त्म। तो गाइस अब बचे थे दो बंदे यानी कि मेरे अलावा सिर्फ एक, जो कि सामने वाले पहाड़ पे था क्योंकि उसका गाड़ी मुझे स्पॉट हो जाता है, और ये वही बंदा था जो M4 से मारा था अभी थोड़ी देर पहले। अब इस बंदे पे कौन सा डेंजरस वेपन है उसको मैं चेक करने के लिए एक बार टेस्ट फायर देता हूँ। देखो गाइस जैसा साउंड आ गया मुझे, उसके पास M24 है तो उसको मैं बार बार नूबड़ो वाला पीक बिल्कुल नहीं दूंगा, और यहाँ पर थोड़ा बहुत स्मोक करके निकलने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर मैं स्मोक कर रहा था और वो बंदा स्मोक करके भागेगा ऐसा सोच के उधर रहता है, और उसके साथ थोड़ा बहुत मैं सस्ता वाला स्कैम करके देखता हूँ। देखो गाइस वो बंदा सोच रहा था कि भाई ये स्मोक करके इधर आ रहा है, और वो पता नहीं कौन सा एंगल लेने के लिए इधर आता है, और उस पर मैं फायर देता हूँ लेकिन नहीं भाई को मरना पसंद नहीं है। चलो कोई नहीं, वहाँ से हम थोड़ा बहुत कवर में आ गए और यहाँ पर ड्रॉप पड़ा हुआ है तो इसको लूट लेते हैं। थोड़ा बहुत वेस्ट हेलमेट और ये गिली सूट मिल गया तो इस थोड़ा काम आ जाएगा भाई गिली सूट थोड़ा प्रोन होने के। अब जोन आ रहा था भाई 5 सेकंड बजे थे तो मैं स्मोक कर देता हूँ, और ये सोच रहा था कि भाई वो बंदा पीक वीक करे यहाँ से, लेकिन वो बंदा भाई अच्छे खासे एडवांटेज का मतलब फ़ायदा ले रहा था। वो बंदा हाइट पे था और ऑब्वियसली हाइट पे वाला बंदा एडवांटेज में रहता है।
और जैसा कि आपको मालूम है भाई, नीचे से जब पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं ना भाई, बिल्कुल भी सही ढंग से मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है और इस तरह हम मारे जाते हैं गाइस। तो गाइस हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि भाई हम बहुत ही महंगा वाला लजीज चिकन डिनर कर ले। तो गाइस यही था बोनस पॉइंट, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो भाई हायर लीग की, तो आप इंडियन लॉबी बिल्कुल भी मत खेलना, एग्जिट कर लेना जब तक कि कोई इंडियन लॉबी ना मिले। इंडियन लॉबी में आप अगर 5 किल के साथ भी चिकन डिनर करोगे ना, 17+ होगा या गारंटी ले लो। तो गाइस ये वाला वीडियो अगर तुम लोग को पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक टिके हुए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल फ्री है। मैंने सरकार से बात करवा के बिल्कुल फ्री करवा रखा है, मेरा तो यकीन नहीं हो रहा था भाई, टच करके देख लो भाई लाल वाले बटन को। तो गाइस अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में या फिर लाइव स्ट्रीम में, तो तब तक के लिए बाय यार। Smoke you, I could roast you, and then you'd love it. You text me, I love you, and then I'd fucking ghost you. The big boys.